रसोईयां हैं? मरोचा। कितने दिनों से मानदेय नहीं मिला? 5 महीना होगा सर, नहीं मिला। 6 महीना। कैसे घर का खर्चा चलता है? अरे सर, दुकानें छोटी मोटी है, वहाँ से पति दो खर्चा चलाते हैं। कोनो मेर के साग सब्जी हर चीज़ दाल पिसा सब चीज़ मोल लेते हैं। खेती पाती भी नहीं है। कोनो मेर के 3-3 बच्चे हैं भी, उसको जाते हैं, क्या करेंगे आप? ना दे रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू तिवारी है। मैं प्राथमिक विद्यालय रसोईया वेलफेयर एसोसिएशन से क्रांति से सचिव हूँ। जनपद बहराइच की समस्या सबसे बड़ी है कि एक तो इनको जुलाई से अभी तक मानदेय नहीं दिया गया। जो भी दिया गया है वो भी पिछले सत्र का दिया गया, और हमारी पात्रता पूरी कर रहे रसोइयों को निकाल भी दिया गया है। कुछ रसोइयों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं फिर भी निकाला जा रहा है। और जब भी मानदेय आता है तो इन लोगों से ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ खर्चा दीजिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी मीरपुरवा ने जब भी रसोइयाँ गई एप्लीकेशन लेके तो उन्होंने कहा उससे भी पैसे लिए, और जब प्रधान गया तो उससे भी पैसे लिए। कितने दिनों से मानदेय नहीं मिल रहा है कई लोगों को? सर, जुलाई से अभी तक हम रसोइयों को हमारी पैसा एक भी नहीं मिला है। जो भी दिया है 3,350 वो पिछले ही सत्र का पैसा दिया है। अगर ऐसी स्थिति में हमारे अगर विभाग नहीं सुनवाई करता है तो अगली मीटिंग हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारी रसोइयाँ बताओ जुलाई से पैसा नहीं पाएंगे, कैसे किराया, कैसे भाड़ा, कैसे जी। सरकार ने 50 रुपये बढ़ा तो दिया, लेकिन आज तक हमारे रसोइयों को ये नहीं देखा कि कैसे इनका पालन पोषण चलेगा, कैसे इनका खर्चा चलेगा। स्कूल का काम तो इन लोगों से खाली पैसा खाना बनाने का देते हैं, लेकिन झाड़ू लगाना, लैट्रिन साफ कराना, गोबर तक पूरा काम करवाते हैं, पूरा चपरासी का काम करवाते हैं। जरा भी कुछ कह दे बस निकालने की धमकी देते हैं कि तुम्हें अगले वर्ष में निकाल ही दूंगा। ऐसी स्थिति में काफ़ी रसोइयों को निकाल भी दिया गया, जिसकी सूची मैंने छात्र लगा दी।